तो हेलो, अस्सलामु अलैकुम, वणकम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को पांचवा रोज़ा और रमज़ान का पांचवा दिन मुबारक हो। होप आप सबका दिन अच्छा जाए, मेरा भी दिन अच्छा जाए, होना चाहिए। आज आप लोग देख रहे होंगे आई हैवंट वेयर ग्लास एंड कर्चिफ, क्योंकि हम आज गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम ना ही आज कॉलेज को जा रहे हैं। पीछे सनराइज हो रहा है तो आई कैन नॉट एबल टू मैनेज द लाइटनिंग ऑन माई फेस, समहो नीचे करके मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ। सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, वी आर गोइंग समवेयर एल्स। तो आप सभी लोगों को रास्ते में बताऊंगा, तो चलो चलते हैं। ट्रेन आ रही है, भागो 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 भागो। आज कितना लकी हूं मैं, जैसे ही नीचे उतरा मेट्रो मिल गया अपन को। मेट्रो आ रही है। कमान। इतनी पब्लिक है इधर मेट्रो में, अरे यार बचा ले, बोल के चलो अंदर। कितनी पब्लिक है जगह आज, कितनी पब्लिक है आज। तो हम आ गए हैं किंगेरी बस टर्मिनल, जहाँ से हमें आगे जाना है। तो अभी फिलहाल के लिए लिफ्ट यूज़ करते हैं। जाने से पहले रोको, क्योंकि रोज़ा है अपन, इसलिए लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप रोज़ा नहीं है, जो कोई भी सीढ़ी लीजिए, सीढ़ी। आई रिमेंबर्ड वन डायलॉग ऑफ अमिताभ बच्चन, जहाँ पर वो कहते हैं जहाँ पर हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, जब भी मैं डालने जाऊँ कोई और आके डाल देता है। फाइनली आगे वाला गया है, अब मेरी बारी है, हम निकल जाएंगे अभी। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा मैसेज उन लड़कियों के लिए जो पढ़ रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो बने रहिए, आपकी ड्रीम भी अचीव होगी इंशाल्लाह एक दिन। सो डोंट वरी, द की इज़ टू बी कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस। डोंट नो मैटर व्हाट सिचुएशंस यू कम, जस्ट फेस इट आउट 100% कॉन्फिडेंटली। फाइनली वी आर अराइव्ड एट किंगेरी, नाउ वी आर गोइंग इन बस से पोस्ट ऑफिस, किंगेरी पोस्ट ऑफिस जाना है, सैटेलाइट टाउन, किंगेरी सैटेलाइट टाउन पोस्ट ऑफिस पे। थोड़ा आई थिंक 5 मिनट्स का जर्नी है, 5 मिनट्स का डिस्टेंस फ्रॉम बस। फुल एनर्जेटिक आज, आई हैव टू डू दैट। क्या होता है बोलता हूँ आप लोगों को, थोड़ी देर 5 मिनट वेट कर लो। इससे रास्ता है लेकिन हम उधर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कदम्बा के अंदर से। मी एंड वरुण विल बी ईटिंग हियर इटसेल्फ, बिकॉज जब भी मैं वरुण को एग्ज़ाम लिखने आता हूँ, इधर से नाश्ता वगैरह करके हम निकलते हैं। थैंक यू अंकल, बहुत सर्विस पड़ी हो ना बस में फिर रहे होता। 1 मिनट है,
कंप्लीटेड माय टास्क। अच्छा काम खत्म हो गया है, सो आई एम लीविंग बैक टू द मॉस्क। रोजा ओपन करना है हमारा, तो थैंक यू वेरी मच। आराम से आओ अंकल, आराम से आओ। अस्सलाम वालेकुम, आराम से आओ। आप तकलीफ पर लेके ना आओ। हाँ तो मैं समझे आप उधर क्या नहीं कर रहा तुम्हारा। मैं यहाँ कर के जी हल्ली हेगड़े नगर, हेगड़े नगर के जी है हमारा के जी। बोलते तो देख ले करते कन्फ्यूज हो गई मैं इसी वास्ते। हमें यहीं से के जी हल्ली में कैनी रोड में हमारे दीपिका है, तो उनका जबान में आगा नाम हेगड़े नगर हमारा। आप किधर हैं? पटना। पटना। आज इधर कैसे आते हैं? क्या काम से आए थे अंकल? अभी है भैया का छोड़ नहीं जाता तुमका उत्तर को कल उत्तर अंकल। मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, आप किधर जा रहे हैं? सामने स्टेशन में चढ़ाओ। अच्छा आओ, क्या भी नहीं मेरा जा सकता हूँ। अंकल आपका नाम? अंकल सैयद यूसुफ। सैयद यूसुफ, मेरा नाम सैयद अजीज अहमद है। इंशाल्लाह अंकल बस पकड़ने जा रहे थे। अंकल के दोस्त ने गाड़ी में अंकल को बुलाने को जा रही है। मैं अंकल को बस में से जा रही है, लेकिन रोड बदलाने से मैं सोचा उन्होंने उधर से जा रही ना, मैं रोड बदल दूंगा अगर को। बट लेटर ऑन ही वो कॉल में, अरे भाई छोड़ के जा रहा हूँ, रोड बदला को जाओ अगर को। सो आई कैच हिज हैंड एंड टू किल हियर। ए लकी लकी। तो आज का दिन बहुत 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 ही अमेजिंग, हेक्टिक, एडवेंचरस, खूबसूरत एंड क्या बोलते वो स्ट्रेस में रिस्की भी था। सो वी टुक रिस्क एंड वी फॉट, वी फॉट, वी डिड अवर बेस्ट। ओके नाउ गोइंग टू परवेज हॉस्टल। आपको इफ्तारी पे ही मिलूंगा मैं। विश यू हैप्पी रमजान। रमजान रमजान। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड सोचने के लिए होते हैं मेट्रो के अंदर भाग के आने के लिए और मेट्रो के अंदर अच्छी सीट पकड़ने के लिए। एंड आई डिड दैट। सो हम लोग जा रहे हैं साउथ एंड सर्कल। साउथ एंड सर्कल के लिए आपको मैजिस्टिक में इंटरसेक्शन होता है, वो बदलना पड़ेगा। सो दैट आपको पर्पल लाइन से ग्रीन लाइन की मेट्रो लेनी पड़ेगी। सो बी अवेयर व्हेनेवर जो भी नए स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन के टाइम पर ध्यान रखना कि आप समय से अपनी ट्रेन पकड़ो। देन मैं आज जा रहा हूँ परवेज के पास। परवेज मियाँ आज हैं, आज हम आ रहे हैं आपके पास रोज़ा खोलने के लिए। आई लिटरली आज बहुत टायर्ड हूँ। ये वीडियो आपको मैं देर से दाऊँगा, जहाँ पर मैं गया था वो वीडियो विल बी कमिंग लेटर। दिस डेली ब्लॉग्स विल बी कमिंग रेगुलरली, बट दैट स्पेशल वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट विल बी अपलोडेड लेटर एट ए सेपरेट डेट एंड टाइम। आई होप सो। मेट्रो हैज सो मच ट्रैफिक, स्पेशली आई डोंट नो किधर से लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से बेंगलुरु में आके बस रहे हैं सब लोग। फाइनली परवेज के हॉस्टल पे हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारे भैया। अस्सलाम वालेकुम भैया। नाम वालेकुम। नो पहले भी वीडियो में आया कोई, एक बार हमारी वो संडे की ब्लॉग देख लो आप। माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर है परवेज हमारे? परवेज किधर है? परवेज अरे रोजा है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे। पहले कॉल कीजिए। टाइम परवेज भाई बिजी हैं, फोन नहीं उठा रहे। वी आर एट परवेज भाई हॉस्टल। फाइनली सुबह की मार धार, चलना फिरना सब खत्म करके आखिर भाई के मौके में आखिर भेजा। आपके साथ मौका मिला इफ्तार करने के लिए। सच बता रहा हूँ, सच में रमजान में अल्लाह ताला बहुत खुश है मुझसे। आपके साथ मौका ये लेकिन भाई स्टडिंग LLB इन एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट राइट
तो होप सो भाई का भी करियर अच्छा बने हमारा, आमीन, हमें इनकी दुआएं लगे बस। बिल्कुल आप प्रवेश को कॉल कर, सो आपको मिलाते हैं परवेज से। अस्सलाम वालेकुम परवेज भाई। अस्सलाम वालेकुम परवेज उनके अब्बा, अब अंकल भी देखते हैं। परवेज अब भी लाइब्रेरी से आए, लाइब्रेरी से आए सो। इनको देखे तो सुकून मिलता हमला, उसके ऐसे फौरन आ गया हमें। अंकल चला गया हमें। अब कहाँ देंगे वो बोल किधर? चलो भाई जाएंगे जामिया वाला। थोड़ा कपड़े चेंज करके और फ्रेश होके वी ऑल लेफ्ट फॉर द मॉस्क। दिल पे कैसे हैं दोस्त? हो तो ऐसे हो, आपको कपड़े भी दो और आपके साथ इफ्तार को भी चलो। शुक्रिया परवेज भाई हमारे वास्ते इतना सब करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मस्जिद जामिया बसवनगुड़ी में हमारा आज का 5th रोज़ा खोलने वाले हैं हम परवेज भाई के साथ। हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे, देन हैड बे इफ्तारी करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमें 3-4 साल पहले हमारे पप्पा की होटल में बनाते थे, हमारे पप्पा की होटल में जो समोसे बनाते थे जेपी नगर में, उससे जायकेदार लाइफ में मैं कहीं भी नहीं खा को समोसे। मिसिंग दैट हनी सुप्पा, मिस कर रहा हूँ आपके समोसे। इवन आखिर कहाँ जी मिस यू डार्लिंग। मतलब आपको उधर रमज़ान अच्छे से गुजरे, खुशी से गुजरे, अच्छा खाओ, मोटे हो, आओ तुम्हें इतना अच्छा। इंशाल्लाह रमज़ान में आए तो भी ज़रूर इंशाल्लाह साथ में इफ्तारी और सभी करेंगे भी। लव यू ब्रो, खुश रहो। अस्सलामु अलैकुम। परवेश के गांव से रायचूर सिद्धिनूर स्पेशल बस शरबत। रायचूर सिद्धिनूर का शरबत। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप बसनगुड़ी जामिया मस्जिद आएंगे
मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे चहीते दोस्तों, अगर आप बसनगुड़ी जामा मस्जिद आएंगे तो ज़रूर हमारे भाई का शरबत खाना विजिट करके जाइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी शरबत भी बना रहे हैं मेरे भाई। आपका नाम तौसीफ? तौसीफ इनका नाम। तो आओ इफ्तारी के बाद पियो शरबत, रमजान ना पीलेंगे सुबह सुबह। ये तो भैया हमारे रहते हैं यहाँ के, तो डेफिनेटली ट्राई। वी हैज़ अ शॉप ओवर देयर ऑल्सो वेर यू कैन बाय शरबत इन बल्क। सो टेक केयर ऑफ माई ब्रदर, थैंक यू। हमें उस शख्स के पास जा रही जो हमें लास्ट टाइम आए थे इधर, खाला के पास हमारे, यू नो बसनगुड़ी सिग्नल के पास रहती है, यू नो इधर बसनगुड़ी साउथ एंड के पास। कोई तो कुछ तो आए तो बसनगुड़ी के पास इनको देखो जाओ। नो सॉरी हमारे खाला, बसनगुड़ी सिग्नल अब हमें उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही। We are not disturbing her because she is sleeping, but somebody who are staying at Basavangudi or passing through Basavangudi to definitely give something to her. She is khala, staying there from past 1 year. Since I am seeing her, she will be there itself. अगर कोई है तो charity करने वाले, आप उधर जा सकते हैं। Next time हम उनको मिलेंगे।